नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में फैली महामारियों में किन बीमारियों का हाथ था जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। इन्फ्लुएंजा चिकित्सा के जनक के नाम से विख्यात यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने 412 ईसा पूर्व इन्फ्लुएंजा का वर्णन किया। सबसे पहली इन्फ्लुएंजा विष महामारी को 1580 में दर्ज किया गया था और तब से हर 10 से 30 साल के भीतर इन्फ्लुएंजा विष महामारियों का प्रकोप होता रहा। एशियाई फ्लू की पहली रिपोर्ट 1889 में उज्बेकिस्तान के बुखारा में मिली। अक्टूबर तक यह टोमस्क और काकेसस तक पहुंच गया था। यह पश्चिम में तेजी से फैलता गया। दिसंबर 1889 में उत्तरी अमेरिका, फरवरी अप्रैल 1890 में दक्षिण अमेरिका, फरवरी मार्च 1890 में भारत और मार्च अप्रैल 1890 में ऑस्ट्रेलिया भी इसकी चपेट में आ गए थे। यह फ्लू विषाणुओं के H2N8 प्रकार के विषाणुओं की वजह से हुआ था। इसका हमला काफी घातक था और इससे मरने वालों की मृत्यु दर भी काफी अधिक थी। इस विश्व महामारी की वजह से लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले इसकी पहचान मई 1918 के आरंभ में कंसास के कैंप अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में की गई थी। अक्टूबर 1918 तक सभी महाद्वीपों में फैलकर इसने विश्व महामारी का रूप धारण कर लिया और इसने लगभग पूरे विश्व के एक तिहाई जनसंख्या लगभग 50 करोड़ लोगों को संक्रमित कर दिया। बहुत अधिक घातक इस रोग का अंत भी लगभग इतनी ही जल्दी हुआ जितनी जल्दी ये फैला था। यह लगभग 18 महीनों के भीतर पूरी तरह से गायब हो गया। इससे लगभग 50 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए। कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में मारे गए लोगों की कुल संख्या इस संख्या की दोगुने से अधिक थी। इसकी वजह से भारत में लगभग 2.25 करोड़ लोग मारे गए, जबकि अमेरिका में 675,000 और ब्रिटेन में लगभग 2 लाख लोग मारे गए। अभी हाल ही में CDC के वैज्ञानिकों ने इस विषाणु का पुनर्निर्माण किया जिसकी पहचान H1N1 विषाणु के रूप में की गई। एशियाई फ्लू यह बीमारी एक H2N2 विषाणु की वजह से फैलती है जिससे अमेरिका में लगभग 70,000 लोगों की मौत हुई थी। सबसे पहले फरवरी 1957 के अंतिम दौर में चीन में पहचानी गई इस एशियाई फ्लू का प्रसार जून 1957 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तक हो गया था। इसकी वजह से दुनिया भर में लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। हांगकांग फ्लू यह फ्लू एक H3N2 नामक विषाणु की वजह से फैलता है जिसकी वजह से अमेरिका में लगभग 34,000 लोगों की मौत हुई थी। 1968 में इस विषाणु का पता हांगकांग में चला था और बाद में उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह फैल गया। 1968-69 की इस विश्व महामारी से दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। इन्फ्लुएंजा ए H3N2 विषाणु आज भी फैल रहे हैं। टाइफस को संघर्ष के दौरान फैलने वाली पत्ती की वजह से इसे कभी कभी सिविर बुखार कहा जाता है। इसे जेल बुखार या जहाज बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह छोटे छोटे क्वार्टरों जैसे जेलों जहाज के क्वार्टरों में बुरी तरह से फैल जाता है। क्रूसेड के दौरान उभरने वाले इस रोग का प्रभाव 1489 में यूरोप के स्पेन में हुआ था। ग्रेनाडा में ईसाई स्पेनियों और मुसलमानों के बीच होने वाली लड़ाई के दौरान 3,000 स्पेनी युद्ध में हताहत हुए और 20,000 स्पेनी टाइफस के शिकार हो गए। 1542 में बाल्कन में ओटमन से लड़ते समय टाइफस से 30,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। 30 ईयर्स वॉर बुबोनिक प्लेग और टाइफस से लगभग 80 लाख जर्मनों का सफाया हो गया था। इस रोग ने 1812 में रूस में नेपोलियन की ग्रांदे आर्मी के विनाश में भी एक प्रमुख भूमिका अदा की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्बिया में टाइफस से 1.5 लाख लोग मारे गए। टाइफस महामारी से 1918 से 1922 तक रूस में लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत युद्ध कैदी शिविरों में और नाजी यातना शिविरों में टाइफस से भी अनगिनत कैदियों की मौत हुई थी। नाजी हिरासत में 60 लाख में से 35 लाख से अधिक सोवियत युद्ध कैदियों की मौत हुई थी। चेचक स्मॉल पॉक्स चेचक विषाणु की वजह से होने वाला अति संक्रामक रोग है
18वीं सदी के अंतिम वर्षों के दौरान इस रोग से प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख यूरोपीय मारे गए। एक अनुमान के मुताबिक 20वीं शताब्दी के दौरान 30 से 50 करोड़ लोगों की मौत के लिए चेचक जिम्मेदार था। 1950 के दशक के आरंभिक दौर में दुनिया में लगभग प्रतिवर्ष 5 करोड़ मामले सामने आते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान सफल टीकाकरण अभियानों के बाद WHO ने दिसंबर 1979 में चेचक की समाप्ति का प्रमाण दिया। चेचक अब तक का संपूर्ण रूप से समाप्त एकमात्र मानव संक्रामक रोग है। खसरा। खसरा बेहद संक्रामक होने की वजह से पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैला हुआ था। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार 15 वर्ष तक की आयु के लगभग 90% लोग खसरे से संक्रमित थे। 1963 में टीके के आगमन से पहले अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 लाख मामले सामने आते थे। लगभग 150 वर्षों में खसरे से पूरी दुनिया में लगभग 20 करोड़ लोगों के मरने का अनुमान है। केवल 2000 में खसरे से दुनिया में लगभग 7.5 लाख लोग मारे गए। उस वर्ष पूरी दुनिया में खसरे के लगभग 4 करोड़ मामले सामने आए थे। खसरा एक स्थानिक मारी रोग है, जिसका मतलब यह है कि किसी समुदाय में लगातार यह मौजूद रहता है और कई लोगों में प्रतिरोध का विकास हो जाता है। जिन लोगों में खसरा हुआ है उन लोगों में नए रोग का होना विनाशकारी हो सकता है। 1529 में क्यूबा में खसरे के फैलने की वजह से वहां के लगभग 2/3 लोगों की मौत हो गई थी। इस रोग ने मैक्सिको और अमेरिका में इनका की सभ्यता को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया था। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस यानी TB। वर्तमान जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित है और प्रति सेकंड एक इंसान इससे संक्रमित हो रहा है। इन संक्रमण में से लगभग 5-10% संक्रमण सक्रिय रोग का रूप धारण कर लेंगे, जिसका इलाज नहीं होने के कारण इसके शिकार लोगों में से आधे से अधिक मर जाते हैं। दुनिया भर में टीबी से हर साल लगभग 80 लाख लोग बीमार होते हैं और 20 लाख लोग मारे जाते हैं। 19वीं शताब्दी में ट्यूबरक्लोसिस से पूरे यूरोप में लगभग 1/4 लोग मारे गए। फ्रांस में हर 6 में से मरने वाला एक इंसान ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था। 19वीं सदी के अंतिम दौर तक यूरोप और उत्तरी अमेरिका की शहरी जनसंख्या में से 70-90% लोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित थे और शहरों में मरने वाले मजदूर वर्ग के लगभग 40% लोगों की मौत टीबी से हुई थी। 20वीं शताब्दी के दौरान ट्यूबरक्लोसिस से लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए। टीबी अभी भी पूरे विश्व की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। दोस्तों, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से महामारियां फैलती है। इन सब को एक वीडियो में समाहित करना मुश्किल था, इसलिए हमने वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगला हिस्सा हम 1 या 2 दिन में अपलोड कर देंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ इसे शेयर भी करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।